हेलो एवरीवन, मैं हूं चित्रकार अभिजीत सैनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ड्राइंग करने का शौक है और आप किसी भी तरह की ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहां पर मैं आपको ड्राइंग और शेडिंग की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ड्राइंग और शेडिंग की टेक्निक्स अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके एंड लेट्स ड्रॉ। तो आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेडिंग, शेडिंग के प्रकार। तो शेडिंग होती है तीन प्रकार की। एक होती है हैचिंग, दूसरी होती है क्रॉस हैचिंग और तीसरी होती है ब्लेंडिंग। ओके तो पहले मैं बताऊंगा हैचिंग में क्या होता है। हैचिंग में हमने स्ट्रोक्स लगाने होते हैं। जैसे मैं इधर एक बॉक्स बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको करके बताऊंगा स्ट्रोक्स लगाते कैसे। स्ट्रोक्स हमेशा हमने जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट करने होते हैं। जैसे इधर ये लाइन है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रोक्स होते हैं ये ऐसे, इसको बोलते हैं हैचिंग। और स्ट्रोक हमेशा बिल्कुल सीधे सीधे जाने चाहिए एक ही एंगल में। ओके और हमेशा आगे से स्ट्रोक पतला होना चाहिए, पीछे से मोटा होना चाहिए। ऐसे पेंसिल को आगे से उठाना होता है जब स्ट्रोक्स लगाने हैं। देखो दोबारा करके बताता हूँ, ऐसे आगे से उठाना पेंसिल को ऐसे। और स्ट्रोक्स में हैचिंग में हमेशा गैप रखना होता है शेडिंग के बीच में। ठीक है, ये होगी हैचिंग। अब आ जाओ क्रॉस हैचिंग पे। क्रॉस हैचिंग में भी आपको मैं बॉक्स बना के करके बताता हूँ। अब क्रॉस हैचिंग में भी पहले हमने हैचिंग करनी है लाइक दिस। हाथ में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी को हमने क्रॉस हैच कर देना है, ये इसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। यही आपने कई कार्टून्स में भी देखा होगा, ये इस टाइप की शेडिंग होती है, क्रॉस हैचिंग होती है। कई बुक्स पे हुई होती है इसी टाइप की। ओके इसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। ये देखो एक बार फिर से करके बताता हूँ, ऐसे। ये हमेशा याद रखना हमेशा कि हमने स्ट्रोक्स लगाने होते हैं लाइक दिस। ओके हैचिंग देन क्रॉस हैचिंग। ओके अब आ गई तीसरी, तीसरी है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में हमने क्या करना है, ये सबसे मुश्किल वाली होती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में भी हमने जैसे हैचिंग में स्ट्रोक्स लगाते हैं वैसे ही स्ट्रोक्स लगाने हैं, बस इसमें हमने साथ साथ में जोड़ के स्ट्रोक्स लगाने हैं, इसमें गैप नहीं डालना। ब्लेंडिंग में क्या होता है गैप नहीं लगाना डालना होता बीच में, ये ऐसे। ब्लेंड हो गया इस साइड से भी, ये देखो ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ये एक बार फिर से करके बताता हूँ, ये देखो साथ साथ में जोड़ के स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ओके ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ शेडिंग्स। हाँ तो ये थी हमारी शेडिंग की बेसिक टेक्निक्स। और अगर आप अपनी शेडिंग को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इन्हीं टेक्निक्स की डेली प्रैक्टिस किया करें। और हाँ, मिनिमम दिन में 1.5 से 2 घंटा तो प्रैक्टिस जरूर करें। मैं दावा करता हूँ आपको 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस करने से।
सो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी नई नई वीडियोस की। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।